हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे RVNL स्टॉक के बारे में एंड इरकॉन कंपनी के बारे में RVNL प्लस इरकॉन दोनों। दोस्तों कंपनियां यहां पे कर दी क्या है, दोनों एक ही सेगमेंट में है। RVNL भी आपका रेलवे बिजनेस में है, रेलवे प्लस कंस्ट्रक्शन हाईवेज वगैरह, एंड इरकॉन जो है वो भी रेलवे प्लस कंस्ट्रक्शन बिजनेस में देखने को मिल रहा है। मतलब रेलवे से भी इनको ऑर्डर्स मिलते हैं ना, हाईवे से भी ऑर्डर्स मिलते हैं। दोनों कंपनियां बाहर के देशों में भी वर्क कर रही है। मतलब जो RVNL है वो भारत के साथ साथ बाहर के देशों के भी प्रोजेक्ट लेती है, और इरकॉन जो है वो भी भारत के साथ साथ बाहर के देशों के प्रोजेक्ट्स लेती है। पर प्रॉब्लम क्या है कि मैक्सिमम लोगों ने, हालांकि ये जो स्टॉक्स है वो बहुत अच्छे भागे हैं, कोई स्टॉक आपका इरकॉन जो है वो 10 गुना हुआ है, RVNL आपका 20 से 30 गुना भी हुआ है रिसेंटली लास्ट 1 से 2 सालों में, तो रिटर्न्स तो बहुत ही अच्छे दिए, बट फिर भी लोग यहाँ पे लॉस में। अब लॉस में क्यों है, क्योंकि लोगों ने यहाँ पे फोमो में आके हाई पे बाई किया। जहाँ पे मैं आपको मना कर रहा था कि 2 से 3% तेजी के पीछे नहीं भागना है, वहाँ पे लोगों ने ऐड किया। बट इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर लॉस हो रहा है तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। मेरा पर्सनली व्यू क्या है, अगर आपकी जगह पे मैं होता तो यहाँ पर मैं अभी के टाइम क्या करता। अगर मान लो RVNL में हमने यहाँ पर दोस्तों ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ के लेवल से कवर करते आ रहा हूँ, 600 रुपये के लेवल्स तक यहाँ पे हम पहुँचे हैं। 600 के लेवल पे टेलीग्राम पे भी अपडेट दे दिया था कि सभी लोग यहाँ पे प्रॉफिट को बुक जरूर कीजिए। एंड इरकॉन में हालांकि अभी भी अपनी पोजीशन है, इरकॉन में हमने 267 रुपीज़ के लेवल पे पोर्टफोलियो में 25% अमाउंट यूज़ किया है। अभी भी हमारे पास 75% अमाउंट एवरेज करने के लिए पड़ा है, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत है नहीं। बट RVNL में मैंने 600 के लेवल पे सारा पैसा बुक करने को बोला, वहाँ से स्टॉक ऊपर भी गया, लोग बोल रहे हैं भाई आपको तो कुछ पता ही नहीं है, फिर स्टॉक गिरा भी, अगेन अभी के टाइम कुल मिला के 600 के नीचे हमें देखने को मिल रहा है। ब्रोकरेज की तरफ से बड़ा अपडेट आया है, वो भी समझेंगे। और यहाँ पर अगर बाई चांस मैंने 600 पे बाई किया होता तो अभी इस गिरावट में मैं यहाँ पर क्या करता, वो भी यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं RVNL का, कि RVNL को लेके मेरा यहाँ पर क्या व्यू है। लास्ट 5 डेज़ की बात की जाए तो स्टॉक एक जगह पर रुका हुआ है। 1 मंथ में 11% की गिरावट एंड 6 मंथ में अच्छे रिटर्न, डबल किया पैसा। 1 ईयर में 300% रिटर्न, एंड वही अगर मैं मैक्सिमम की बात करूँ 2700% तक के रिटर्न। तो दोस्तों जब हमें यहाँ पे 2700% तक के रिटर्न्स यहाँ पे लास्ट कुछ टाइम में मिले हैं, लास्ट 5 सालों में 2000% तक के रिटर्न्स मिले हैं, तो जिसको इतना रिटर्न मिला है वो बुक तो करेगा। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, प्रॉफिट बुकिंग तो हमें यहाँ पे देखने को मिलने ही चाहिए, और वो मिल भी रही है। देखिए दोस्तों, पहली चीज़ तो मैं आपको बता देता हूँ, सेंटीमेंट थोड़े से नेगेटिव मुझे लग रहे हैं। नेगेटिव इस वजह से है, टोटल मार्केट के सेंटीमेंट हमें नेगेटिव नज़र आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो FI वाले कंटिन्यू बेच रहे हैं। FI वालों ने अगस्त महीने में 29,700 करोड़ के बेचे, DI वालों ने 31,500 करोड़ के बाई किया। अब आप बोलेंगे DI वाले बाई तो कर रहे हैं ना, बट FI वालों के बाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक ये बाइंग शुरू नहीं कर देते तब तक प्रॉब्लम होगा, क्योंकि DI वाले कभी भी अपने हाथ पीछे खींच सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ये है, रॉबर्ट कियोसाकी, उन्होंने भी ट्वीट किया कि US इकोनॉमी डाउन हो सकती है, रिसेशन आ सकता है, तो उसकी वजह से हमें सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से फंड अपने पास होना चाहिए। तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं सेंटिमेंट हमें नेगेटिव दिख रहे, बाकी वॉर की भी सिचुएशन है, तो वही चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। बांग्लादेश में भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ओवरऑल जो ग्लोबल, जहाँ जितने भी देश हैं, ब्रिटेन, अभी UK में भी हमें प्रोटेस्ट होते हुए देखने को मिल रहा है, तो हर जगह के जो सेंटीमेंट है वो कहीं ना कहीं हमें डाउन देखने को मिल रहे हैं, नेगेटिव सेंटीमेंट नज़र आ रहे हैं, तो उस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अभी के टाइम RVNL में एक इम्पॉर्टेंट की सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे डेटा चेक कर लेते हैं कि डिलीवरी डेटा वगैरह यहाँ पे क्या आ रहा है। आज की बात की जाए तो स्टॉक में क्या हुआ, कल के दिन 2.5% की गिरावट हुई, एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है कि अगर मैं इस गिरावट में वॉल्यूम्स की बात करूँ तो 1,90,00,000 का वॉल्यूम हुआ है, 1,000 करोड़ के वैल्यू के शेयर ट्रेड होते हैं, बट इम्पॉर्टेंट डिलीवरी बहुत कम है। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो सिर्फ 24% लोगों ने ही कल के लिए स्टॉक को होल्ड किया है। मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, इंट्राडे में ही निकाल रहे हैं, इंट्राडे में ही बाई कर रहे हैं, इंट्राडे में ही एग्जिट कर रहे हैं, आज ही बाई करके आज ही सेल कर रहे हैं, ये चीज़ें ज़्यादा हो रही है। कोई भी बड़ी डिलीवरी उठाने से डर रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि कहीं कल के लिए मैं अगर होल्ड करूँ और कल ही स्टॉक क्रैश ना हो जाए, तो इस वजह से लोग यहाँ पर डर रहे हैं। उसी के साथ साथ एक और गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ पे RVNL को MSCI इंडेक्स में शामिल किया गया है, जिसकी वजह से FI वालों का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आ सकता है। RVNL को MSCI इंडेक्स में शामिल कर लिया गया है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। बट एक इम्पॉर्टेंट, एक नेगेटिव चीज़ ये भी निकल के आ रही है कि ब्रोकरेज की तरफ से एक नेगेटिव व्यू देखने को मिल रहा है। ब्रोकरेज की तरफ से नेगेटिव व्यू है, व्यू ये है कि जो एंटिक ब्रोकरिंग ब्रोकरेज फर्म है, उनका यहाँ पर कहना है कि RVNL में 51% तक की सेलिंग हो सकती है। तो ब्रोकरेज ने भी एक नेगेटिव व्यू शेयर किया है, तो थोड़ा सा हमें, मतलब कि अगर अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो उसको थोड़ा बुक भी करना चाहिए,
मतलब बड़े प्रॉफिट का वेट नहीं करना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ पे बड़े प्रॉफिट मिलेंगे। नॉर्मली अभी के टाइम सेंटिमेंट के हिसाब से दोस्तों, क्योंकि मार्केट भी थोड़ा सा प्रेशर में है, बाकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के हिसाब से तो कंपनी बेटर है, क्योंकि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर अपने देश में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आने वाले समय में और भी बजट पारित होंगे। अभी रिसेंटली ये बजट हुआ, 6 महीने बाद एक और बजट आ जाएगा, उसके 6 महीने बाद एक और आ जाएगा, मतलब 1 साल बाद एक और आ जाएगा। तो वही है कि हर साल बजट आते रहेंगे, इनको प्रोजेक्ट्स मिलते रहेंगे, तो फ्यूचर के हिसाब से तो बेटर है, बट फ्यूचर के हिसाब से हमें होल्ड भी करना पड़ता है। मतलब लोग बोलते तो है कि फ्यूचर बेटर है, बट 5% की गिरावट से डर जाते। तो अगर आप सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, ये आपको डिसाइड करना है। उस हिसाब से स्टॉक में अगर हलचल भी होती है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको फंडामेंटल देखने कंपनी के। अभी के टाइम कंपनी का पीई थोड़ा सा हाई है, 85 का हमें इसका पीई रेशियो देखने को मिल रहा है। सेक्टर का पीई कितना है? इंडस्ट्री का पीई 25 ही है। इंडस्ट्री के पीई से 3 गुना स्टॉक जो है वो हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वही अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करूँ तो सेल्स यहाँ पे कंपनी की ईयर ऑन ईयर भी डाउन हुई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी डाउन हुई है। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लोवेस्ट लेवल पे पहुँच चुका है, तो ये एक नेगेटिविटी हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। तो थोड़ा सा हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है इन स्टॉक्स में, RVNL में। पर्सनली मेरा यहाँ पर क्या व्यू है, मेरा दोस्तों सिंपल व्यू है कि यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट है मिड कैप। ये सभी स्टॉक जितने भी अभी के टाइम PSU वाले स्टॉक है, मिड कैप के भरोसे ही चलते हैं। जिस दिशा में आपका मिड कैप जाता है वही वही दिशा में ये स्टॉक जाते हैं। तो मिड कैप अभी के टाइम मंथली कैंडल RSI थोड़ा हाई है, वही अगर मैं वन डे टाइम फ्रेम कैंडल लेके आऊँ तो वन डे टाइम फ्रेम कैंडल में मेरे यहाँ पर व्यू ये है कि स्टॉक में 55,500 का इम्पोर्टेंट लेवल है मिड कैप इंडेक्स में। अगर मिड कैप इंडेक्स 55,500 के लेवल के नीचे गया तो एक भारी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी ऑल PSU में एंड मिड कैप इंडेक्स में, जहाँ पे मिड कैप अगेन 53,000 रुपीज़ के लेवल्स पे आ सकता है। तो 55,500 का मिड कैप के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि मिड कैप दोस्तों यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न क्रिएट कर रहा है, अगर ये लेवल टूटा तो गिरावट हो सकती है। और अगर यहाँ पर ऐसा होता है तो फिर यहाँ पे रेलवे में भी हमें प्रेशर देखने को मिल सकता है। रेलवे में अगर मैं RVNL की बात करूँ तो RVNL में यहाँ पर अभी भी मैं बुलिश नहीं हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, अगर आप यहाँ पे देख, लोग इस कैंडल पे वेरी बुलिश हो गए थे, सब कुछ बेच के यहाँ पे लगा रहे थे कि हाँ भाई यहाँ, बट ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक तो भाग रहा है बट वॉल्यूम नहीं है ना। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी बट वॉल्यूम्स यहाँ पे बहुत कम थे, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी वॉल्यूम नहीं थी, यहाँ पे आपकी कैंडल बनी बट वॉल्यूम यहाँ पे कम है। तो वही चीज़ें अभी के टाइम RVNL में इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म पर्पज़ के हिसाब से एक रेंज बन चुकी है 590 रुपये, 520 रुपये। जब तक 520 के ऊपर है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक 590 के ऊपर नहीं जाता तब तक रिस्क रहेगा। 590 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट है, 590 के ऊपर जाता है तो यहाँ पे अगेन 650 700 के लेवल दिख सकते हैं, बट 520 रुपये के लेवल के नीचे जाता है तो सेलिंग 430 रुपये के लेवल्स तक हो सकती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और शॉर्ट टर्म में जब तक इस रेंज के अंदर है तब तक यहाँ पे कोई भी बड़े मूवमेंट के चांसेस हमें कम देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ फ्रेश एंट्री यहाँ पर मैं नहीं करूँगा, थोड़ा वेट करूँगा। लॉन्ग टर्म पर्पज़ में यहाँ पर हर बड़ी मतलब 15% की गिरावट में मैं ऐड करने की कोशिश करूँगा। लॉन्ग टर्म में 15% की गिरावट में स्टेप बाय स्टेप मैं ऐड करूँगा, शॉर्ट टर्म में यहाँ पर कोई फ्रेश एंट्री लूँगा नहीं, एक कन्फर्मेशन का वेट करूँगा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का। तो RVNL में मेरा सेंटिमेंट बस यही है कि शॉर्ट टर्म में मैं इसको थोड़ा अवॉइड करूंगा, लॉन्ग टर्म में हर बड़ी गिरावट मतलब 15-20% की गिरावट में थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकता हूँ। इरकॉन की बात की जाए, इरकॉन में हमें क्या देखने को मिला कि ऊपर के लेवल से ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है स्टॉक, ऊपर के लेवल से हमें गिरते हुए नज़र आया इरकॉन 26%, एंड हमने लोवेस्ट पे लेवल से बाइंग करते करते हाई पे बेचा भी है। हालांकि हमने अभी रिसेंटली फ्रेश एंट्री क्रिएट की थी ऑलमोस्ट 267 रुपीज़ के लेवल्स पे, जब इसके बजट आए थे वगैरह तो बजट के बाद थोड़ा सा हमने ऐड किया, टेलीग्राम व्यू के हिसाब से भी 267 के लेवल के आसपास ऐड किया। ऐसे में यहाँ पे मेरा ये मानना है इरकॉन में भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 260 रुपीज़ का। 260 का अगर ये लेवल तोड़ रहा है तो यहाँ पे इरकॉन भी आपका ये लेवल दिखाएगा, 260 का इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इरकॉन 260 के नीचे जाता है तो 240 रुपीज़ के लेवल दिखा सकता है, एंड 240 के लेवल के नीचे जाता है तो यहाँ पे हमें स्टॉक 220 रुपीज़ के लेवल्स दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे मेरा क्या व्यू है, सिंपल सी चीज़ें, यहाँ पे हमने थोड़ा सा ऐड किया था, 25 स्टॉक ही ऐड किए थे। अगर ये स्टॉक यहाँ से 10% गिरता है तो मैं 25 और ऐड कर लूँगा, और 10% गिरा तो और 25 ऐड कर लूँगा, और गिरा तो और 25 ऐड कर लूँगा। ये तो मैं अपने टेलीग्राम व्यू के हिसाब से बता रहा हूँ, बट जिन लोगों ने टेलीग्राम व्यू के हिसाब से नहीं, अपना व्यू के हिसाब से सारा पैसा यहाँ पे लगा रखा है, तो बस सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 260 का। अगर ये लेवल टूटा तो 240 220 के लेवल्स पे आ सकता है, और अगर आपके पास एवरेज का पैसा नहीं है तो आप फंस सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इरकॉन जब 280 के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक बुलिश नहीं होगा।
260 के नीचे तब तक नहीं जाता तब तक बियरिश नहीं होगा। और उसी के साथ साथ इरकॉन के जो रिजल्ट है वो तो ओवरऑल ठीक है प्रॉफिट के मामले में। वही यहाँ पे अब इन वीडियो में कंक्लूसन क्या है, कंक्लूसन सिंपल सी चीज़ है कि अभी के टाइम इन दोनों स्टॉक का जो चार्ट है ना वो कैसा है, ऐसा। इरकॉन का चलो वैसे तो ठीक है, इरकॉन का तो ठीक ऐसे है, बट अगर आप RVNL का देखेंगे तो सिंपल सा ऐसा चार्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो RVNL में थोड़ा सा मुझे यहाँ पे डाउट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ्रेश एंट्री जो है ना वो यहाँ पे मैं नहीं करूँगा। आप कर सकते हो आपका अगर सेटअप बनता है तो, बट मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे फ्रेश एंट्री नहीं करूँगा। लॉन्ग टर्म पर्पज़ के हिसाब से हर बड़ी गिरावट 15-20% की गिरावट में थोड़ा थोड़ा ऐड करने की कोशिश करूँगा। शॉर्ट टर्म में मैं कोई फ्रेश एंट्री यहाँ पे करूँगा नहीं। अगर मेरा स्टॉक अभी के टाइम कॉस्ट टू कॉस्ट पे चल रहा है, RVNL हो या फिर इरकॉन, तो अगर मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट पे चल रहा है या छोटा सा भी लॉस चल रहा है तो मैं यहाँ पे सिंपल सा बुक करूँगा, क्योंकि एक सेलिंग हो सकती है यहाँ से, ये मेरा मानना है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं जो भी छोटा लॉस है या फिर प्रॉफिट में है या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट में है तो मैं बुक करूँगा। अगर बड़ा लॉस है तो फिर एवरेज कर, तो फिर रुकना पड़ेगा मुझे, एवरेज करने की कोशिश करूँगा। बट अगर छोटा लॉस है या फिर बड़ा प्रॉफिट हो रहा है मुझे तो मैं कहीं ना कहीं बुक करने की कोशिश करूँगा। सेंटिमेंट नेगेटिव है तो एक सेलिंग हो सकती है, ये मेरा मानना है। थैंक यू।